हाथरस भगदड़ हादसे के अभियुक्तों की आज कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेशी हुई। अलीगढ़ जेल से पुलिस अभियुक्तों को न्यायालय लेकर आई। यहां पर मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के न्यायालय में उनकी पेशी हुई। पुलिस ने 3200 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। फिलहाल कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट का अब तक संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 9 अगस्त तय की है। आपको बताते चलें, बीते 2 जुलाई को हाथरस जिले के थाना सिकंदरा राव क्षेत्र में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने 2 अक्टूबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इधर इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने फिर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर हमला बोला है। एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में नारायण साकार हरी जेल नहीं गए, इसी बात को सोचकर पिछले 3 महीने से मायावती को नींद नहीं आ रही है। मायावती नारायण साकार हरी से ईर्ष्या रखती हैं। बता दें कि भोले बाबा का नाम चार्जशीट में न होने पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट की थी और कहा था कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को राज्य सरकार का संरक्षण है। मायावती की इस प्रतिक्रिया पर आज अभियुक्तों की ओर से पैरवी भी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह ने फिर करारा जवाब दिया है। आज 2 जुलाई 2024 को हाथरस में सिकंदरा राव मुगलगढ़ी में जो दुखद घटना हुई थी, उस संबंध में जो 11 अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, जिसमें 1 बेल पर अनरेबल हाईकोर्ट से रिलीज हैं और 10 अंडर ट्रायल यूटीपी, जिसमें आज यहाँ माननीय सीजेएम साहब हाथरस की कोर्ट में पेश हुए हैं। 3200 पेज की चार्जशीट उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच के बाद इन 11 जो अक्यूज हैं उनके लिए फाइल की है, पेश की है, जिसकी एक सेट हार्ड कॉपी मुझे मिल गई है और अभी 2 इनकम्प्लीट हार्ड कॉपी 2 एक्यूज को दी गई हैं और अभी वो सप्लाई करेंगे, देंगे, उसके बाद इस केस पर कॉग्निजेंस के लिए बात की जाएगी। पहले कॉपी सप्लाई, आज 10 एक्यूज जिनमें 1 मंजू महिला हैं और 9 पुरुष हैं, वो सभी यहाँ पेश हो गए हैं फिजिकली और पेश होके ये 3 सेट दिए गए। 1 सेट कम्प्लीट है, 2 सेट इनकम्प्लीट हैं और उसमें पेन ड्राइव पे देने के लिए कहा है, लेकिन ये लोग ना उतने शिक्षित हैं, ना पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, ना योग्यता है, इसीलिए उनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई कि हमें हार्ड कॉपी दी जाए। हाँ, इसमें उपेंद्र यादव की तरफ से जो हमने एफिडेविट और एविडेंस दी थी वो ऑन रिकॉर्ड पर उन्होंने ली है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लिखा है उसमें कि हम उसकी इस तरह से गहन पहलू से जाँच करके आगे प्रोसीडिंग करेंगे। चार्जशीट के लिए धाराएं वही सब हैं जितनी जो कुछ पढ़े, जो धाराएं आपको दी गई हैं, 2 सेक्षन बढ़ाई थी उसमें आपराधिक षड्यंत्र और उसके बाद जो बढ़ाई गई थी जिन FIR में, उन सभी धाराओं में चार्जशीट फाइल की है इन्वेस्टिगेशन के बाद। अगली तारीख 9 अक्टूबर की है और 9 अक्टूबर से पहले कॉपी सप्लाई कर देंगे, उसके बाद वो आगे कॉग्निजेंस के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, क्लीन चिट का विषय नहीं है। अभी भी SP साहब ने कहा है जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन 11 लोगों के पहलू पर दी है क्योंकि 11 लोगों का समय इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 3 महीने का टाइम है उसमें दे दी गई है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे भी, देखेंगे क्या क्या है, क्योंकि 3200 पेज हैं, बल्कि चार्जशीट है। घटना दुखद थी, इसमें वो सवाल भी पूछे गए हैं कि जहरीला स्प्रे वाली बात भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी जांच की उस कार्रवाई में लिखी है, उनसे सवाल पूछे गए हैं और जैसे जैसे आगे जो प्रोसीडिंग होगी वो निश्चित तौर पर, हमें अभी भी जांच एजेंसी पर भरोसा है, हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, देश की माननीय न्यायपालिका, हाथरस की अंडरवर्ल्ड अदालत और ये मामला न्यायिक आयोग में भी चल रहा है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की जांच समिति कर रही है, उसको जांच कर रही है। हमने जो 1100 एफिडेविट दिए थे उनके भी बयान हो रहे हैं, जो उन्होंने न्यायिक आयोग ने, माननीय न्यायिक आयोग ने जो 3 सदस्य बनाए, उन्होंने 500 लोगों को समन किया था, वो लोग भी बयान दे चुके हैं और हर तरह से जांच में कोऑपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया है सभी ने। और कोई भी इस तरह की सर्कमस्टेंस, जैसा कहा गया आप लोगों के माध्यम से अवैध संपत्ति और ये चीज़ धन उगाही की गई किसी राजनीतिक पर,
पार्टी से, ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टा इस चार्जशीट में ऐसा कुछ मिला नहीं है, ना ही उनका कोई किसी तरह का रोल है।